अभी घाट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल पिंकरस। तो कैसे हो आप सब। आज का व्लॉग आ गया है एक और ब्रांड न्यू हेयर कट व्लॉग, बट आपको मैं बाद में बताऊंगी कि किसका हेयर कट आज होने वाला है, जो कि आपको खुद ब खुद आगे चल के पता चलेगा इस व्लॉग में। बट ये होने वाला है एक और हेयर कट व्लॉग। बाय द वे, इससे पहले मैंने दो हेयर कट व्लॉग भी डाले हैं, आप वो भी देख सकते हो। और उसके अलावा इस चैनल पे हर वेडनेसडे और संडे एक वीडियो आती है, तो प्लीज़ कंसिडर करें इसको सब्सक्राइब करना। तो आज का व्लॉग होने वाला हेयर कट का एड, आई होप आपको पसंद आए। चलो स्टार्ट। बाय द वे, मेरे को आपको एक और चीज़ दिखानी है जो कि कुछ इस तरीके का है। ये और कुछ नहीं है, ये है एक मेज पोज। एज यू कैन सी, बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्लस खास बात क्या है, ये हैंडमेड है, ये मेरी सिस्टर है, उसने बनाया है, है ना। तो अगर आप बनवाना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन DM मी इन इंस्टाग्राम, अगर आप चाहते हो हैंडमेड इस टाइप की मेज पोज बनवाना, इस टाइप के एड। उसका बिजनेस नहीं है, बट वो मतलब इस उसके लिए बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, पैशन है उसका इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वगैरह करना। तो अगर आपको बनवाना है, डेफिनेटली मेरे को DM करना इन माय इंस्टाग्राम, जो कि यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। देन मैं आपको डिटेल वगैरह शेयर करूँगी रिलेटेड टू दिस। बट ये सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, एज यू कैन सी। एंड इसमें बाय द वे डोरेमोन भी बना है, एंड ये वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बने हैं, जिसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है। एंड मेरे को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड थैंक यू सो मच। सो वी आर रेडी टू गो इन सैलून, एंड मेरा जो आउटफिट है कुछ इस तरीके का है। मैंने जस्ट ड्रेस पहनी है, एंड दिस इज माय हेयर कट। चलो चलो चलो। बाय द वे, आज हुई थी देहरादून में बारिश, ये पड़ गए हैं इसमें, और तो धुल गई है मस्त। तो चलो अब चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं सैलून में, सो लेट्स गो। तो मैंने आपको बोला था ना हेयर कट होगा, तो वो और किसी का नहीं, मेरे छोटे भाई का होने वाला है। बहुत सारों को लगा होगा मेरा होने वाला है, बट अभी नहीं, मेरा आगे चल के मैं करूं, मेरे को नहीं पता है। बट हाँ, तो हम आ गए हैं हेयर कट के लिए वहीं पे जहाँ मेरा हेयर कट हुआ था फर्स्ट टाइम। नहीं देखा तो देखना ज़रूर। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट हो गया हेड वॉश करना, जो कि फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाय द वे, यहाँ का कॉस्ट जो है वो आई थिंक मैन के हेयर का 150 या फिर 130 रुपये है, एंड गर्ल्स के या वुमेन के 300 रुपीज़ पर पर्सन है हेयर कट कराने के। तो यहाँ स्टार्ट हो गया हेयर कट करना। एंड इसका क्या था कि बीच से थोड़ा आप वैसे ही रखो, बट साइड साइड से कट करना है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मशीन लगाना उसके बालों पे, जो कि नॉर्मली बॉयज़ के हेयर कट जब होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बट पहले जब हम छोटे हुआ करते थे, तब तो सिर्फ कैंची से ही होता था, बट यहाँ पे हो रहा है हेयर कट। एंड बॉयज़ का हेयर कट इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग सम टाइम एंड सम टाइम बोरिंग, बट आप मेरे को बताना आपको कैसा लग रहा है, बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग। तो ये हैं इसके हेयर, जो कि अभी जस्ट कट हुए हैं। थोड़ा और कट होने थे, बट वो बहुत कम मात्रा में है। ये सारे जो हैं ये 70% हेयर हैं जो उसके कट हो गए हैं, एंड दिस इज़ द लुक, जो कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। बट एक चीज़ है जो कि मैंने देखी है कि वो हेयर कट या फिर कोई भी हेयर कट वहीं पे ज़्यादा अच्छा लगता है। एज यू कैन सी कितना धासु हेयर कट लग रहा है अभी, एंड हेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट वो वहीं तक रहता है। जैसे घर आते हैं एक दो दिन बाद वैसे ही बाल हो जाते हैं, जैसे नॉर्मली रहते हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी, अगर आप हेयर कट कराने की सोच रहे थे, तो थोड़ी लेंथ ना ऊपर से थोड़ी कम कर सकते हो, और तो सब बहुत अच्छा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों बैठी रहूं,
मैं भी कुछ कराती हूँ। तो मैंने अपनी आईब्राउज थ्रेड कराई थी, जो कि मैं आई थिंक 1-1.5 साल से नहीं कराई थी, मैं अपने आप करती थी। तो आज मैंने सोचा सलून में जा रखे हैं, बैठ रखे हैं, तो चलो थ्रेडिंग कर लेते हैं। थ्रेडिंग का वहाँ चार्ज था आई थिंक 30-40 रुपीज़, जो कि होता ही है। तो मैंने बोला चलो कटवा देते हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ये थ्रेडिंग किसने की है पहले, तो मेरा था कि मैंने की है। तो इसके बाद यहाँ पे हेयर कट हो गया है इसका, डन। एंड अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो हमारा वैसे हेयर कट हो गया है, हमारा नहीं, इसका हेयर कट हो गया, डन। और मैंने बनाए हैं अपने आईब्राउज फर्स्ट टाइम। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बट इस बार मैंने सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है। लाल लाल हो गए मेरे स्किन, क्योंकि सेंसिटिव है ना। बट क्या, अब चलते हैं घर घर घर। ठीक, बाल वैसे ही कर देगा उसको पहन के। तो हम पहुंचते हैं अपने घर वापस। तो जैसे कि आपने देखा किसका हेयर कट हुआ, तो वो छोटे भाई का। बाय द वे शेरू भौंक रहा है क्योंकि हम अभी जस्ट आए हैं। तो जैसे हम आते हैं फिर वो रोने लग जाता है, भौंकने लग जाता है। आई थिंक जिसके यहाँ डॉग होगा वो रिलेट करेगा इस चीज़ को। लेकिन सो हेयर कट हो गया है, मैंने बोला था ना किसका होगा, एंड तक देखना आपको पता चलेगा। तो मेरे छोटे भाई का था हेयर कट। तो मैंने सोचा यहीं पे ब्लॉग को एंड कर लिया जाए, बिकॉज इसके बाद मैंने जब शूट वगैरह किया था ब्रांड का और कुछ नहीं किया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये ब्लॉग कैसा लगा लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मैं एक और न्यू हेयर कट के साथ आऊँगी, बट वो मेरा हेयर कट होगा। सो कमेंट जरूर करना। एंड चलो बाय एंड टेक केयर।